हेलो डियर, तो आप सभी को स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला पे। तो साथियों, नर्सिंग वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़िए, यहाँ पे आपको ज़बरदस्त वीडियो मिलता रहेगा और ज़बरदस्त अपडेट मिलता रहेगा। तो साथियों, मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ, जो भी दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन या ECG टेक्नीशियन या OT असिस्टेंट में अप्लीकेशन किए हैं या जो दोस्तों नहीं किए हैं, 2 दिन 8 तक लास्ट समय है, आप लोग जल्दी जल्दी कर लीजिए और अप्लीकेशन कर लीजिए। आप, मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ, आप इंडिया में किसी भी स्टेट में आप इस सभी डिप्लोमा किए हैं या बैचलर किए हैं, ECG टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन या OT असिस्टेंट का कोर्स इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट से किए हैं, लेकिन वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बिहार में भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो जॉब है बिहार से बाहर वालों के लिए भी है। तो यहाँ पे नर्सिंग में होता था कि रजिस्ट्रेशन कराइए बिहार में वगैरह वगैरह, वैसा कोई झंझट नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में किसी भी कोना में आप डिग्री किए हैं तो वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए संस्थान से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 तक लास्ट डेट है, ज़रूर अप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पे बताने आया हूँ कि कट ऑफ कैसे आपका तैयार किया जाएगा, मतलब आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो कैसे तैयार किया जाएगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पे डिटेल में हम बताएंगे कि जो आपका मेरिट बनेगा वो कैसे बनेगा, कितने नंबर पर, क्या क्या चीज़ें पे बनेगा, तो सारे चीज़ों को हम डिक्लेयर करेंगे और आप समझ जाएंगे। और जिससे होगा क्या कि आप अपने खुद सारे मार्क्स को इकट्ठा करके, आप कैलकुलेशन करके अपने आप को दोस्तों आंक सकते हैं कि मेरा नंबर कितना आ रहा है, तो जॉब होगा या नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आप एक बात को यहाँ पर समझ लीजिए कि जो जॉब है साथियों, ये वाला जो जॉब निकला है एक्सरे टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट और ECG टेक्नीशियन, ये दोस्तों इसमें जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब कोई रिटेन एग्ज़ाम नहीं है, नो एग्ज़ाम है। इसका सिलेक्शन दोस्तों कैसे होगा, इसका सिलेक्शन जो है दोस्तों, इसका सिलेक्शन नो एग्ज़ाम है, बिना एग्ज़ाम का होगा। अब कैसे होगा, तो दोस्तों मेरिट लिस्ट होगा, इसका जो सिलेक्शन होगा ये होगा दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट पर। मेरिट लिस्ट पे इसका क्या होगा, सिलेक्शन होता है। अब मेरिट लिस्ट होता क्या है, तो दोस्तों मेरिट लिस्ट जो होता है, ये मेरिट लिस्ट बेसिकली आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे दोस्तों निर्धारित होता है, एक्सपीरियंस पर निर्धारित होता है, ये सारे इस पे निर्धारित होता है और मेरिट बनता है। अब बात किया जाए दोस्तों, ये मेरिट लिस्ट बनेगा, ये मेरिट लिस्ट 100 नंबर का होगा। जैसे रिटन एग्ज़ाम में 100 नंबर का होता है ना, उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम में देखते हुएगा 100 नंबर का होता है और पूछा जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे 100 नंबर सरकार के तरफ से जो गाइडलाइन है 100 नंबर दे दिया गया है नोटिफिकेशन में, और वो 100 नंबर के विभिन्न कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ये 100 नंबर को दोस्तों जो है आपका जो है ए ट्वेल्थ पर ये 100 नंबर को आपका डिप्लोमा है, आपका डिप्लोमा है या बैचलर है, आप जो डिग्री किए हैं ए वाला एक्सरे टेक्नीशियन या ECG टेक्नीशियन या OT असिस्टेंट, तो ये डिप्लोमा है या ए बैचलर है, उसका नंबर जुड़ेगा। आपका हायर क्वालिफिकेशन दोस्तों, ये क्या है, हायर क्वालिफिकेशन, और एक नंबर आपका ये 100 में जो है वो है दोस्तों एक्सपीरियंस का दोस्तों जो है नंबर आपका जुड़ेगा। तो ये 4 टाइप में डिवाइड किया गया है सरकार के तरफ से, मतलब 12th के नंबर पर डिप्लोमा या बैचलर जो आप डिग्री किए हैं, जिसके लिए अप्लाई किए हैं वो वाला नंबर, हायर क्वालिफिकेशन है उसके लिए भी नंबर मिलेगा, एक्सपीरियंस है उसके लिए भी नंबर मिलेगा। ये 4 टाइप से सरकार के द्वारा जो है 100 नंबर का रखा गया है। 12th में हाईएस्ट जो है वो 30 नंबर मिलेगा, 30 नंबर। डिप्लोमा या बैचलर है तो इसमें हाईएस्ट 25 नंबर मिलेगा, हायर क्वालिफिकेशन है तो इसमें हाईएस्ट 20 नंबर मिलेगा, और एक्सपीरियंस है तो हाईएस्ट 25 नंबर मिलेगा। इस सब को अगर आप जोड़िएगा साथियों, तो इस सब को जोड़ने पर जो है आपका यहाँ पे 100 नंबर आ जाता है, 100 नंबर हो जाता है। समझिएगा, मेरिट लिस्ट 100 पे होगा, 100 में 12th पे जो आप एक्सरे टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, ECG ये सब आप जो भी डिग्री किए हैं, डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा, बैचलर किए हैं तो बैचलर, जो भी है उसके लिए 25 नंबर रखा गया है, हायर क्वालिफिकेशन है तो 20 नंबर रखा गया है, एक्सपीरियंस है तो 25 नंबर। अब हम समझेंगे कि ये जो रखा गया है ये मैक्सिमम रखा गया है, इतना इतना मिलेगा। तो मान गए 12th पर 30 नंबर कैसे मिलेगा, तो साथियों मान गए आप 12th में अपने जो परीक्षा दिया 12th का, उसमें 12th में आपका मान गए कि कितना नंबर आ गया,
ट्वेल्थ में आपका टोटल जो है वो 70% नंबर है। ट्वेल्थ में कितना है? 70% है, 70% नंबर है। तो आपका जो दिया गया है नोटिफिकेशन में, तो आपके इस 70 में जो है 0.3 से क्या किया जाएगा? गुना किया जाएगा 0.3 से। मतलब मान के 70 हम ले के चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका 80% भी आया हो, 60% भी आया हो, 56% भी आया हो, 59% भी आया हो, 68% भी आया हो। आपका जो भी ट्वेल्थ में प्राप्त हुआ है परसेंटेज, उसमें आपको 0.3 से गुना करेगा। गुना करने के बाद जितना भी आ जाएगा वो आपका ट्वेल्थ का मार्क्स हो जाएगा। मतलब जैसे हम 70 लेकर चल रहे हैं, 70 में 0.3 से गुना करेंगे तो 7 × 21, मतलब 21% जो है, 21% नहीं, आपका ये जो 21 आ गया ये 30 में आ गया। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये 30 क्यों रखा गया है। अब देखिए, अगर कोई बच्चा अपने ट्वेल्थ में 100% नंबर प्राप्त करता है, 500 के एग्जाम है तो पूरा 500 नंबर प्राप्त कर लिया है, तो 100% हो गया। इस 100% में उसके अगर 0.3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 30 नंबर हो जाएगा। और यही 30 नंबर यहाँ पे क्या किया गया है? रखा गया है। क्योंकि कोई भी चीज़ में दोस्तों मैक्सिमम क्या होता है? 100% ही होता है। तो मान गए कोई बच्चा अगर 100% प्राप्त किया होगा तो उसको तो 100% प्राप्त किया होगा तो उसको तो नंबर मिलेगा, तो 0.3 से उसके 100% में गुना किया जाएगा तो ये 30 नंबर हो जाएगा। और यही दोस्तों क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो बात समझ गए। अब 100 से नीचे में ही ना किसी का नंबर होगा, तो किसी का नंबर 100 से नीचे में होगा तो 0.3 से गुना किया जाएगा तो उसका 30 के अंदर में ही आएगा। ये चीज़ें हो गया, आप समझ गए। तो यही है कि ट्वेल्थ में अगर 70% आपका टोटल नंबर है तो 0.3 से गुना करेगा तो 21 हो गया, ये आपका 30 में आ जाएगा। तो ये आपका ट्वेल्थ का हो गया 21 नंबर। अब दोस्तों अब बात करते हैं डिप्लोमा या बैचलर। अगर दोस्तों आप जो है डिप्लोमा या बैचलर, देखिए आप ये जो है डिप्लोमा या बैचलर किए हैं, जैसे मानते हैं आप कोई जो है एक्सरे टेक्नीशियन या ECG या OT असिस्टेंट का डिप्लोमा ही किया होगा, कोई बैचलर किया होगा, बैचलर ज़्यादा दिन का होता है, डिप्लोमा कम दिन का होता है। तो अगर ये दोनों प्राप्त किए हैं तो इसमें आपका जितना परसेंट आया होगा, इस दोनों में आपको जितना भी परसेंट आया होगा, मान गए अगर आप डिप्लोमा किए हैं या बैचलर किए हैं, तो अंत में लास्ट ईयर में तो आपका फाइनल रिजल्ट आया होगा। उस फाइनल रिजल्ट में अगर आपका मान गए यहाँ पे आपका 60% आया है, इस डिप्लोमा वाले या बैचलर वाले में जो डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर 60% है तो इसमें जो है 0.25 से गुना किया जाएगा। ट्वेल्थ में आपका 0.3 से गुना होगा परसेंट में, जबकि आप जो डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो पोस्ट के लिए, उस पोस्ट में जो भी आप डिग्री कर रखे हैं, तो जितना भी परसेंट आपका है उस परसेंट में आपको 0.25 से गुना किया जाएगा। अब दोस्तों 0.25 से गुना किया जाएगा तो आप, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई अगर इस डिग्री में अगर 100% नंबर प्राप्त किया होगा उसको 0.25 से गुना किया जाएगा तो उसको कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और यही 25 तो यहाँ पे सरकार दिया है कि आप अधिकतम 25 नंबर मिलेगा, क्योंकि अधिकतम 100% ही होता है। तो यही चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें आप समझ गए। तो आपका जो अगर 60 नंबर है तो इतना नंबर मिलेगा। अब 25 × 6 के कितना होता है दोस्तों? 25 × 6 होता है 150 के होते, यहाँ पर कर दीजिए। तो आपका नंबर कितना हो जाएगा इसमें हो जाएगा 15 नंबर। अगर 60% है तो कितना हो जाएगा? 15 नंबर हो जाएगा। अगर आपका 70% है तो 21 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी है, सेम डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि आपका ट्वेल्थ में 0.3 से गुना होगा ट्वेल्थ के परसेंट में, और आपका जो डिग्री है, जो कोर्स है, जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन हो गया या ECG टेक्नीशियन या OT असिस्टेंट हो गया, तो इसमें आप डिप्लोमा हो या बैचलर हो, जितना टोटल आपका नंबर आया है परसेंट में उस परसेंट में 0.25 से गुना करेगा और जितना आ जाएगा वो आपका हो जाएगा मार्क्स। तो आप मान गए 60% आपका है इस डिग्री में, 0.25 से गुना किए तो 15 हो गया, इसमें 21 हो गया। तो ये तो हो गया बेसिक, जो कि सबके पास होगा तभी वो अप्लाई करेगा, क्योंकि ये भी डिप्लोमा या बैचलर होगा और ट्वेल्थ पास होगा तभी तो अप्लाई करेगा इस पोस्ट सब के लिए। तो इतना तो सबको लगभग दोस्तों जो है दो बार मिलेगा ही। अब बात आता है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब दोस्तों बात आता है कि हायर क्वालिफिकेशन। तो हायर क्वालिफिकेशन में आप लोग समझ लीजिएगा कि हायर क्वालिफिकेशन जो ये 20 नंबर देगा, ये 20 नंबर दोस्तों रखा गया है, 20 नंबर रखा गया है। अगर मान गए आप एक्सरे टेक्नीशियन या ECG टेक्नीशियन या OT असिस्टेंट में सिर्फ और सिर्फ आप डिप्लोमा किए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है डिप्लोमा करके अप्लाई कर रहे हैं, और डिप्लोमा के करने के बाद, डिप्लोमा के बाद आप बैचलर किए हैं इसी में,
अगर मान गए एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी किए हैं, डिप्लोमा के बाद आप इसका बैचलर भी किए हैं और बैचलर के बाद इसका आप एमएससी मास्टर भी किए हैं, तो इस हायर डिप्लोमा वाले के लिए हायर क्या हो जाएगा, तो ये बैचलर भी हायर हो जाएगा और ये एमएससी भी हायर हो जाएगा। तो 10 नंबर इसमें और 10 नंबर इसमें टोटल 20 नंबर मिल जाएगा। तो डिप्लोमा वाले के लिए ये फायदा है कि डिप्लोमा वाले जो भी हैं वो अगर बैचलर भी किए हैं उसके बाद एमएससी भी किए हैं तो उनको 10-10-20 नंबर मिल जाएगा उस चीज़ में। अगर अब बैचलर वाले के लिए क्या यहाँ पे दोस्तों थोड़ा डीमोटिवेट है, ये है अगर मान गए कोई एक्सरे टेक्नीशियन का या ईसीजी टेक्नीशियन का डायरेक्ट जो है वो बैचलर किया होगा, डायरेक्ट वो बैचलर से किया होगा, तो डायरेक्ट वो बैचलर डिप्लोमा नहीं करके डायरेक्ट बैचलर किया है तो उसका बेसिक जो एजुकेशन हो गया वो दोस्तों बैचलर माना जाता है और बैचलर माना जाता है। और इसके बाद अगर एमएससी किए हैं तब आपको जो है 10 नंबर मिलेगा। ये तो बैचलर के लिए आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा, ये बैचलर के लिए 0.25 से गुना करेगा तो सबको मिलेगा, डिप्लोमा वाले हो या बैचलर वाले हो, वो टोटल मार्क्स में आपको इतना गुना करके मिलेगा ही। लेकिन हायर के क्वालिफिकेशन के बाद में अगर नंबर जुड़ने की बात है तो अगर आप डिप्लोमा करने के बाद बैचलर भी कर लिए हैं, एमएससी भी कर लिए हैं, या मान गए एमएससी नहीं किए हैं सिर्फ बैचलर ही किए हैं तो 10 नंबर मिल जाएगा, दोनों किए हैं तो 20 नंबर मिल जाएगा। लेकिन बैचलर वाले के लिए दिक्कत ये है कि बैचलर वाले के लिए स्पष्ट लिखा गया है कि बैचलर वाले के लिए हायर क्वालिफिकेशन का नहीं मिलेगा ये 10 नंबर, इसलिए कि बैचलर उनका जो है बेसिक है, बैचलर उनका बेसिक है, इसलिए उसके बाद अगर एमएससी किए हैं तो ही उनको 10 नंबर मिलेगा, अगर नहीं किए हैं तो उनको ये हायर क्वालिफिकेशन का नंबर नहीं मिलेगा। अगर कोई बैचलर करने के बाद एमएससी भी किया है तो उसको 10 नंबर एमएससी के लिए मिलेगा, बैचलर उसका बेसिक क्वालिफिकेशन हो जाएगा डिग्री का। तो ये चीज़ें समझ गए, तो बैचलर के बाद एमएससी किए हैं तो 10 नंबर मिलेगा, यही दिक्कत है क्योंकि डिप्लोमा वाले के लिए बेसिक जो है डिप्लोमा माना गया है और उसके बाद इनका हायर बैचलर माना गया है और फिर एमएससी माना गया है, इसलिए दोनों में 10-10 नंबर देगा। लेकिन बैचलर वाले के लिए बेसिक बैचलर ही माना गया है, जैसे आप ईसीजी टेक्नीशियन है बैचलर से ईसीजी टेक्नीशियन किए हैं तो आपका बैच जो है बेसिक जो माना गया है वो बैचलर ही माना गया है, आपका जो नीचा है वो बैचलर ही है, और इससे हायर अगर नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो एमएससी किए होंगे तभी 10 नंबर मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में ये चीज़ें आ गया होगा। तो ये तो हो गया दोस्तों, अगर दोनों किए हैं तो 20 नंबर मिल जाएगा, एक किए हैं तो 10 नंबर मिलेगा, ये चीज़ें हैं, हो गया। हायर में अगर दोनों हैं तो 10 नंबर, एक है तो दोनों हैं तो 20 नंबर, एक किए हैं हायर तो यहाँ पे अगर दोनों कर रखे हैं हायर में डिप्लोमा के बाद तो 20 नंबर मिल जाएगा, अगर बैचलर किए हैं डायरेक्ट और बैचलर के बाद एमएससी किए हैं तो 10 नंबर मिलेगा, अगर बैचलर के बाद आप नहीं किए एमएससी तो आपको कोई हायर का नहीं मिलेगा नंबर, यहाँ पर सीधा बात है, ये हो गया। अब चौथा यहाँ पे दोस्तों जो रखा गया है, चौथा क्या रखा गया है, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस का दोस्तों बहुत आसान फंडा है, एक्सपीरियंस का बहुत आसान फंडा इसलिए है कि अगर एक्सपीरियंस आपका जो है एक साल में 5 नंबर मिलता है, अधिकतम दोस्तों जो है 5 साल का कहा गया है तो एक साल का 5 नंबर मिलेगा, अधिकतम 5 साल का मांग रहा है तो 5×5 हो जाता है 25 नंबर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी जो बिहार में, बिहार के सरकारी अस्पताल में, बिहार सरकार के किसी सरकारी अस्पताल में संविदा पर अगर आप मान गए 5 साल के अंदर में 2 साल 3 साल 4 साल अधिकतम 5 साल तक अगर संविदा के रूप में काम किए हैं, चाहे वो ओटी असिस्टेंट हो, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन हो, चाहे ईसीजी टेक्नीशियन हो, एक साल से लेकर 5 साल तक अगर काम किए हैं, एक साल किए हैं तो 5 नंबर, 2 साल किए हैं 10 नंबर, 3 साल किए हैं 15 नंबर, इसी प्रकार से आपका ये अधिकतम 5 साल तक का जो है एक्सपीरियंस देगा, तो ये अधिकतम जो है 25 नंबर है। अब ये टोटल मिला के दोस्तों जो है आपका जो है 100 नंबर मिल पुर जाता है। अब इसमें आपको जितना आ जाए, मानिए हम एक आंकड़ा बताते हैं आपको, आपका 12th में 70% है तो 0.3 से गुना होगा 21 नंबर आएगा, तो 21 नंबर आ जाएगा। उसके बाद मान गए डिप्लोमा जो अभी आप एक्सरे टेक्नीशियन हो, ईसीजी हो या ओटी असिस्टेंट हो, आप बैचलर किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, तो अगर आपका उसमें 60% नंबर आया है तो कितना हो गया 15 नंबर, ये हो गया। अब मान गए कोई अगर स्टूडेंट है, कोई अगर कैंडिडेट है, वो अगर डिप्लोमा करने के बाद बैचलर भी कर रखा है उसमें और उसमें एमएससी भी कर रखा है तो उसको 20 नंबर जुड़ जाएगा,
उसको 20 नंबर जुड़ जाएगा क्योंकि उसका बेसिक डिप्लोमा हुआ और इससे हायर बैचलर भी हो गया, एमएससी हो गया, इसलिए दोनों के लिए 20 नंबर जुड़ जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट है वो डायरेक्टली मान गए ईसीजी टेक्नीशियन का बैचलर से स्टार्ट किया है, बैचलर किया है, बैचलर करने के बाद वो एमएससी कर रखा है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 10 नंबर जुटेगा, उसका सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर जुटेगा। अगर बैचलर के बाद वो एमएससी नहीं किया, सीधा बैचलर ही किया है, तो उसको ये 10 नंबर भी नहीं जुटेगा। तो ये बातें हैं, ये चीज़ें समझ गए। अब मान गए एक्सपीरियंस आप मान गए 2 साल के हैं आपके पास, तो 10 नंबर हो गया। हम इसमें मानते हैं कि आप डिप्लोमा के बाद सिर्फ बैचलर ही किए होंगे, बहुत कम ही लोग एमएससी करते हैं, तो इसका भी हम एक के लिए 10 नंबर रखते हैं। और मानते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको संविदा में काम करने का बिहार के सरकारी अस्पताल में, तो 10 नंबर ये हो गया, चारों हो गया। अब इसको जोड़ते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 6 और 2 1 3 3 2 5, 56 नंबर। दोस्तों आपका जो है 100 में कितना आया, 56 नंबर, 100 में कितना आ गया, ये टोटल 100 नंबर है, 100 नंबर में आपको जो है ये 56 नंबर आ गया। अब ये जो हुआ ये 56 नंबर आपका प्योर मेरिट हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं एग्जाम्पल के मान के चला हूँ, ये 56 नंबर आपका 100 में आ गया और यही 56 नंबर आपका मेरिट में लिखा जाएगा, मेरिट में जुटेगा। तो आप लोग इस तरीका से समझ सकते हैं कि आपका किस में कितना नंबर है और कितना एक्सपीरियंस है, कितना आप हायर किए हैं, हम अच्छे से समझा दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों ये 56 नंबर है, हो गया। अब दोस्तों ये 56 नंबर है, अब किसी को हो सकता है 12th में 80% हो सकता है किसी को 12th में 75% हो सकता है बैचलर में किसी को 80% हो, किसी को 70% हो, या डिप्लोमा जो किए हैं उसमें 70% हो, 80% हो, तो गुना करने पर ये भी बढ़ेगा। हो सकता है कोई डिप्लोमा किया हो और उसके बाद वो बैचलर भी किया हो, तो उसके लिए 10 नंबर मिल जाएगा। हो सकता है वो एमएससी भी किया हो डिप्लोमा के बाद, तो दोनों किया हो तो 20 नंबर मिल जाएगा। हो सकता है वो डिप्लोमा के बाद कुछ ना किया हो, तो उसको जो है सिर्फ और सिर्फ इतना ही मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा हायर के लिए। तो यही बातें हैं, जो बैचलर सिर्फ किया होगा उसको भी कुछ नहीं मिलेगा, जो सिर्फ डिप्लोमा करके छोड़ दिया होगा उसको भी कुछ नहीं मिलेगा हायर क्वालिफिकेशन में, और जो बैचलर के बाद एमएससी किया होगा उसको 10 नंबर मिल जाएगा, जो डिप्लोमा के बाद बैचलर और एमएससी दोनों किया होगा उसको 20 नंबर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये हो जाएगा। अब एक्सपीरियंस में 5-5 नंबर है प्रत्येक साल के लिए, तो अगर आप जितना है 3 साल किए हैं काम, 4 साल किए हैं काम, तो आपको उतना 5-5 नंबर करके मिलते जाएगा और मैक्सिमम 25 नंबर मिलेगा। तो ये टोटल हम समझा दिए, ये किसके लिए था दोस्तों, ये एक्सरे के लिए जो बहाली आया है, एक्सरे, उसके बाद है ईसीजी है, और उसके बाद है ओटी असिस्टेंट। ओटी क्या चीज़, असिस्टेंट, जी हाँ दोस्तों ओटी असिस्टेंट, ये जो बिहार में बहाली आया है उसका जो कटअप तैयार होगा इसी प्रकार से कटअप तैयारी होगा। आप लोग अपना भी अभी से ही आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कैसे क्या नंबर है उस हिसाब से। तो हम पूरा समझा दिए हैं, आप लोग समझ जाइए कि आपका काट छाट के कितना नंबर आ रहा है इस प्रकार से फार्मूला लगाकर, तो उसके बाद जितना आ रहा है समझिए वो आपका मेरिट में लिखा जाएगा। बाद बाकी अगर समझ में आ गया है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, हम अलग से वीडियो बनाकर लाएंगे। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।